फोटो एडिट कर रहे हैं आउटडोर फोटोशूट की, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बैकग्राउंड चेंज करना है और ये जो इसका ग्रीनरी वाला बैकग्राउंड है ये रिमूव करना है। तो मैंने क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ किया है, W इसका शॉर्टकट है। तो मैं सिलेक्शन ले रहा क्विक सिलेक्शन से बॉडी की और स्टोन्स की, और जो बैकग्राउंड है वो मैं सेपरेट रखूँगा। तो जल्दी से क्विक सिलेक्शन से इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। मैं इसके एजेस वगैरह भी रिमूव कर रहा हूँ जो जो ज़रूरत नहीं है मुझे, और ये मैंने लास्ट टूल लिया है, लास्ट टूल की मदद से मैं इसके छोटे एजेस रिमूव कर रहा हूँ जो क्विक सिलेक्शन से रिमूव नहीं हो रहे। और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, मैं इसको नेम दे रहा हूँ लेयर ताकि आसानी रहे। और ये एक मैंने बैकग्राउंड कुछ देखे थे pixels.com पे, फ्री ऑफ कॉस्ट बैकग्राउंड है, तो यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया और उसकी कलर ट्यून एडजस्टमेंट किया अपनी रियल फ़ोटो के साथ। जो इससे पहले फ़ोटो थी उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, इसको इग्नोर कर दें। तो इसके बाद जी मैंने फ़ोटो एडजस्ट करने की कोशिश किया, बट ये यहाँ पे रियल कुछ नहीं लग रही थी, तो मुझे इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ और स्टेप्स लेने पड़े और इसके साइज़ वगैरह के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ी। मैंने फ़ोटो को नाम दे दिया, ताकि लेयर्स को नाम दे दीजिएगा ताकि आसानी रहे और कन्फ्यूजन ना हो जब बहुत सारी लेयर्स जाएंगी। और इसको रिमूव करने के लिए मैंने लास्ट टूल से सिलेक्शन किया और शिफ्ट प्लस F5 से कंटेंट अवेयर से ये रिमूव हो गया इसलिए। बैकग्राउंड जितना हो सके रियल रखिएगा और इसकी रियल लगे ताकि, तो उसको रियल रखने के लिए मैंने इसके साइज़ के साथ कुछ एडजस्टमेंट किए, जहाँ मुझे ये अच्छा और फिक्स लगा मैंने वहाँ इसको यूज़ किया। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि कहाँ पे ये बैकग्राउंड सही लगेगा। तो मैंने दोनों एक बैकग्राउंड के दो डबल साइज़ ले लिया, उसको कॉपी कर लिया, उसको एडजस्ट किया, उसके बैकग्राउंड में भी एक में सेम बैकग्राउंड ले लिया और उसका साइज़ बड़ा कर लिया, और मैंने उसको भी ग्रेडियंट्स की मास्क के ज़रिए मैंने एडजस्ट कर लिया ताकि ये एक ही बैकग्राउंड लगे, कि एक बैकग्राउंड की तीन कॉपी ली हुई है मैंने। इस टाइम जो पहले से स्टोन था वो भी एडजस्ट नहीं हो रहा था, उस पर शेडोज़ आ रहे थे जो कि फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट नहीं होते। तो मैंने एक और स्टोन यूज़ किया जो कि फ़ोटो के हिसाब से रियल लगे। बैकग्राउंड और मेन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है कलर ट्यून का, तो मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ कलर ट्यून को विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्टिव टूल। तो मैंने सिलेक्टिव टूल के ज़रिए उसको सिर्फ नीचे वाली लेयर पे कर लिया, आर्ट के ज़रिए वो एरो नज़र आ रहा होगा लेयर पे, और उस पर मैंने मास्क लगा दिया और उसे स्टोन पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्टोन काफ़ी वाइट था। ये एजेस का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि कुछ रियल लगे। बैकग्राउंड में कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ फिक्स नहीं हुआ, कुछ ही आ रहा था, उसको मैंने मास्क के लिए एडजस्ट किया। बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर किया है विद द हेल्प ऑफ द टिल्ट शिफ्ट ब्लर, जस्ट स्लाइटली सा ब्लर किया, ज़्यादा ब्लर नहीं किया।
एरिया के बॉडी के वो रिमूव हो गए थे उसको वापसी कर ये बहुत बुरा लग रहा है तो इसलिए एडजस्ट करना नहीं लगा कि इसको रिमूव नहीं कर सकते बड़े इसको रिमूव कर दिया और ये सारे इसके ऑडियो हैं ट्राई कर रहा हूँ देख रहा हूँ कोई अच्छा लगता है तो ठीक है। ये कुछ फिल्टर सही था जो वार्म लुक दे रहा था उसकी मैंने कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी और सबको मर्ज कर दी है लेट्स। मेरे पास एक एक्शन परा हुआ है जो कि स्किन रिटचिंग के लिए है जो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है परा, तो मैंने वो एक्शन प्ले किया है और ये खुद ब खुद वो एक्शन से एडजस्टमेंट कर रहा है। इस टाइम मैंने जस्ट कुछ भी नहीं कर रहा रेडियो भी उसके ऊपर मास्क लगा हुआ है। तो अब मैं स्किन के लिए रिएक्शन था तो मैं ब्रश टूल की मदद से स्किन सारे सॉफ्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह सारी स्किन सॉफ्ट करेंगे। मैं रात से मैं कुछ फाइनल टचअप दे रहा हूँ पूरे ऑल फोटो की। इस टाइम स्किन भी रिटच हो चुकी है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों मैच हो चुकी हैं, तो जस्ट फाइनल टचअप दे रहा हूँ। हाइलाइट्स ब्लैक और कंट्रास्ट वगैरह को एडजस्ट कर रहा हूँ। लाइन स्किन का एक फ़िल्टर है जो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, पर मैं उस फिल्टर में से किसी को फ़िल्टर पर ट्राई करूँगा फ़ोटो पर कि कौन सा फ़िल्टर अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ फ़िल्टर्स ट्राई कर रहा हूँ, जो फ़िल्टर ज़्यादा एडजस्टमेंट होगा फ़ोटो के साथ मैं वह सिलेक्ट कर लूँगा। फ़िल्टर कुछ ज़्यादा एडजस्ट कर रहा है और अच्छा लग रहा है तो मैं इसके साथ कस्टम एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इसकी कंट्रास्ट वगैरह कलर वगैरह के साथ। ज़्यादा कुछ वार्म लुक है तो मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा वार्म लुक ना हो।